हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास सेवन्थ और एट की वर्कशीट नंबर 13 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट बच्चे इस वर्कशीट का हिंदी और डेट है बच्चे इस वर्कशीट की 20 जुलाई 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देखते हैं आज की वर्कशीट। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो हम भोजन खाते हैं बच्चों वो हमें बहुत ज़रूरी होता है। यह भोजन हमें या तो कृषि से मिलता है, बागवानी से मिलता है, या फिर हम जो पशुपालन से मिलता है। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है। तो भोजन जो है हमें वो कहाँ से मिलता है बच्चे? जो किसान खेती करता है वहाँ से हमें मिलता है। भारतीय अधिकांश जनता की मुख्य आय का साधन कृषि ही है। और जो भारत में अधिकतर जो जनता है उसका जो उनकी जो आय है वो कहाँ से होती है बच्चों? कृषि से ही होती है। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। हम सभी लोगों को किसानों का सम्मान करना चाहिए, जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया कि हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हमें खाने के लिए हमें अन्न प्रदान करते हैं, और जहाँ तक हो सके उनकी हम जो भी हेल्प कर सके उनकी हेल्प करनी चाहिए। आगे इस क्वेश्चन इस वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको 4 अनाज देंगे, इनके आपको नाम बताने हैं। ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको साथ के साथ यहाँ पे, जैसे कि आपके पास है बाजरा। तो बाजरा कौन सा होता है बच्चों? ये आपका बाजरा है। ठीक है, तो आप इसमें लिख देंगे बाजरा, ये है आपका बाजरा। नेक्स्ट है जौ, तो ये आपका जौ है। ठीक है, नेक्स्ट है चना, ये आपका चना है, ये आपका मक्का है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन फोटो के साथ इनके नाम भी लिख लेंगे। आगे देखते हैं इस वर्कशीट को हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन हमें करना क्या, निम्नलिखित कथनों के बारे में अपनी राय लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, हमें अन्न का आदर करना चाहिए क्यों? तो हमें जो हम खाना खाते हैं उसका हमें आदर करना चाहिए। आप देखो कई लोग जो होते हैं खाना खाने से पहले नमस्कार करते हैं, अन्न का नमस्ते करते हैं कि आज हमें खाना मिला, इसके लिए हम आपके भगवान के शुक्रगुजार हैं। ठीक है, तो ये क्या हम अपना क्या करते हैं भगवान को कि हमें आज अन्न मिला इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो हमें अन्न का नाश क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर हम देखते हैं, हमें अन्न का आदर करना चाहिए क्योंकि अन्न जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि अगर हम अन्न नहीं खाते तो हम क्या है हम जीवित नहीं रह पाते। ठीक है, तो इसलिए हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए। 2nd क्वेश्चन बच्चे इस वर्कशीट का, कृषि में बारिश का महत्व होता है, अब तर्क सहित अपनी राय दीजिए। तो आंसर देखते हैं इसका हम, भारत के किसान अभी भी बहुत अधिक हद तक वर्षा पर निर्भर है। अगर वर्षा ठीक होती है तो पूरे देश के किसान प्रसन्न होते हैं। अगर वर्षा में थोड़ी भी कमी हो जाती है तो उसका प्रभाव खेती पर अवश्य पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने देखो कृषि अगर कृषि में क्या होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर सिंचाई नहीं होती तो हमारी जो फसल है वो सूख जाती है, इसीलिए क्या है हमें क्या कृषि पे बारिश बहुत अधिक निर्भर करती है। तो आप ये आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का हम, क्या हम शहरों में, क्वेश्चन क्या है, क्या हम शहरों में भी खेती कर सकते हैं, कैसे? हाँ, हम शहरों में भी खेती कर सकते हैं। शहर में हमें खेती के लिए बीज, खाद और पानी आसानी से मिल जाता है, जिससे हम खेती कर सकते हैं। क्या होता है जो शहर होते हैं उसमें क्या हमें हर एक चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है, इजी अवेलेबिलिटी होती है। तो इसलिए जो हमें बीज हैं, खाद होती है, पानी होता है, वो हमें अच्छे से मिल जाती है। जहाँ भी हमें जो खेती की उपजाऊ भूमि मिली तो उसमें हम आसानी से खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे कि हाँ, हम शहरों में भी खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वर्कशीट के 3 क्वेश्चन थे, तीनों के तीनों आपकी कंप्लीट हो गई हैं। पूरी वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है। वीडियो अगर अच्छी लगी बच्चों तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो की आप से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाएँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।